चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्या करना है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें उसका रूट निकालना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या होता है कि सबसे पहले ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है, यानी कि मिडल टर्म को तोड़ना होता है, यानी कि ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना होता है जिनका प्रोडक्ट है वो किसके को लाना चाहिए, ए सी के, और उनका सम है वो किसके को लाना चाहिए, बी के को लाना चाहिए। तो यहाँ से अगर ए और सी की अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस 10 है। अब ए सी प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, माइनस 10। अब माइनस 10 के फैक्टर बना लीजिए, माइनस 10 के फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 2 और 5 2 कितने होते हैं 10। अब हमारे पास यानी कि मिडिल टर्म हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी माइनस 3x। अब 3x को हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 5 और 2। 5 और 2 की अगर प्रोडक्ट देखें तो कितनी आ रही है, ए सी की इक्वल आ रही है, और उनका सम 5 में से अगर 2 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, अगर यहाँ यानी कि मिडल टर्म के आगे माइनस है तो बड़े फैक्टर के आगे माइनस का साइन आएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x को मिल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5, और यहाँ प्लस के 2 को मिल लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें से और इसमें से x माइनस 5 बाहर निकाला तो यहाँ बचा x और यहाँ प्लस के 2। अब एक बार x माइनस 5 है वो 0 के कुल होगा, एक बार x प्लस 2 है वो 0 के कुल होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, आप अपने पास एनसीईआरटी की बुक साथ में रखिए और उसमें से क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड हमारे पास है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वही सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 6 है। तो यहाँ से ए सी प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 2 गुणा में माइनस 6 यानी कि माइनस के 12। और सम ये तो था प्रोडक्ट, और सम किसके को लाना चाहिए, सम आना चाहिए बी के कुल, बी की वैल्यू कितनी है 1। अब ये तो कि क्या 12 के ऐसे दो फैक्टर बन सकते हैं जिनका सम 1 हो, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 और 4 3 12 और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। तो हमारे पास बन गए 2x² प्लस में x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको देखो सॉल्यूशन में नहीं करना है, ये मैंने ऐसे ही बताया है, ये आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। आप जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पहले लिखेंगे 2x², अब आपके फैक्टर कौन कौन से थे, 4 और 3, और यहाँ लिखेंगे 4x और माइनस के 3x। अब 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा x, और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन निकालना है, 2x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक बार तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के 2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस 3/2। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है रूट 2x²
प्लस 7x और प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो जो कोफिशेंट यानी कि कोफिशेंट दिए गए हैं वेरिएबल के वो रूट में दिए गए हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था आपको कंपेयर करना है x² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू वर्गमूल 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 5√2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसकी को लाना चाहिए, जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म क्या है 7x, 7x को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट एसी की को लाना चाहिए, और यहाँ से एसी कितना आ जाएगा, वो √2 × 5√2, तो ये बन गया 5 × 2 = 10, यानी कि 10। अब 7 को जब तोड़ेंगे तो हमें किस किस में तोड़ लिया, या 10 के फैक्टर बनाएंगे 5 और 2, 5 × 2 = कितने होते हैं 10, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x और प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कॉमन क्या है, √2x कॉमन है। अब देखो जो 2 होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ, 2 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। अब यहाँ से √2x कॉमन लेंगे तो एक तो √2 बार आ गया, x बार आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ प्लस में ये मैंने बताया था 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2। अब एक √2 बार आ गया तो अंदर क्या बचेगा √2, और प्लस में यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, ये तो क्या बचेगा x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस √2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया हमारे पास √2x और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो x प्लस √2 है वो किसके कुल होगा, 0 के, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी −√2, और एक बार √2x + 5 किसके कुल होगा 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी −5/√2, तो ये हो गए हमारे पास 2√। इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है √2x² - x + 1/8 = 0। अब इसमें आपको सबसे पहले तो इसको एलसीएम लेकर एलसीएम ले लेते हैं, ले लेना है सबसे पहले, 8 एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा 8, तो ये बन जाएगा 8 × 16x² - 8 × 8x और प्लस में 1 = 0, और ये 8 है, ये 8 मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 16x² - 8x + 1 = 0। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, अब आपको इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 16, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 1 है। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसकी कुल आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए ए सी की कुल, यानी कि 16 × 1 कितना गया 16, ठीक है। अब सब प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए −8, यानी कि फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, फैक्टर हमारे बनेंगे −4 − 4, यही बनेंगे ना, तो यहाँ लिख लेते हैं 16x², इसको हम लिख लेते हैं −k 4x - k 4x और प्लस में 1 = 0। अब यहाँ से 4x कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 4x - 1, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से −1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 4x - 1 = 0। अब 4x - 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 4x - 1 = 0, और ये बन गया हमारे पास, एक बार तो देखो 4x - 1 = 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4, और इसके दो इक्वल रूट आएंगे, क्यों, क्योंकि एक बार 4x - 1 0 होगा तो x की वैल्यू 1/4 आएगी, और एक बार 4x - 1 फिर से 0 के इक्वल होगा तो फिर इसकी वैल्यू आएगी 1/4। और लास्ट आपको खुद करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद करना है, ये कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में जो प्रॉब्लम दी गई है उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो अपने पास एनसीईआरटी की बुक रखिए, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है मुझे नहीं पता, इसमें लिखा है कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27, हमें 2 नंबर निकालनी है जिनका सम अगर उनको प्लस करें तो कितना आ रहा है 27, और उनका प्रोडक्ट कितना है 182। यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं लेट
लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, क्या मान लिया, एक्स, एंड सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपका क्या बनेगा, फिर आपका सेकंड नंबर बनेगा 27 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा था कि उनका जो सम है वो कितना है, 27 है। अगर दो नंबर का सम 27 है तो अगर एक नंबर मान लेते हैं 14 है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 13 होगा। अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 27 माइनस एक्स। और उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दिया गया, प्रोडक्ट दिया गया है कितना दिया गया, 182। अब प्रोडक्ट इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, एक्स 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों टर्म को उठाकर हम कहाँ ले देते हैं, राइट साइड में। अब एक्स के माइनस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये ऑलरेडी प्लस का है, इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर बनाने, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि कंपेयर करके आपको प्रोडक्ट है वो एसी के इक्वल आना चाहिए और जो सम है नंबर का वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टर बना रहा हूँ, 27 को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जिनका प्रोडक्ट एक 182 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे दो नंबर बनेंगे वो बनेंगे एक्स के माइनस के, मैंने लिखा 13x और माइनस के, एक बार करके देख लेते हैं, 13 और 12 की कर लेते हैं, 12 36, ये तो बनेगा नहीं, 13 और 14 ही बनेगा। तो ये बन गया एक्स के माइनस 13x माइनस के 14x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 13, और यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो यह बनेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार तो x माइनस 13 है वो 0 के कुल होगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13, और एक बार x माइनस 14 है वो 0 के कुल होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब यहाँ पर देखो x की दो वैल्यू आ गई। हमने क्या किया था, फर्स्ट नंबर चूज किया था x। इफ यहाँ लिख लेते हैं कि इफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं 13, देन सेकेंड नंबर आपका क्या बनेगा, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। और इफ फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो देन सेकेंड नंबर क्या बनेगा, 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कह रहा है कि फाइंड टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं सम ऑफ वुड्स के, अगर उनके स्क्वायर का सम कितना दिया गया है, 365। तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर अगर हमने एक्स मान लिया तो देन सेकेंड नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा x प्लस 1, क्यों, क्योंकि इसने कहा था कंजेक्टिव, कंजेक्टिव नंबर कौन से होते हैं, जो लगातार नंबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर इनके स्केयर का सम, अगर इन दोनों के नंबर का स्केयर करें, उनको प्लस करें, तो उनका सम कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। तो करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर, इसके आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्केयर बनेगा प्लस में 2x बनेगा प्लस में 1 बनेगा और इक्वल में 65 है। एक्स स्केयर ये तो हो गया 2x स्केयर और प्लस में कितना आ गया, प्लस में आ गया 2x, और इसको इधर ले करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्केयर बनेगा प्लस में x बनेगा, 2 से करेंगे 2 बन जा 2 और 82 इज इक्वल टू 0। 2 इधर 0 में डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स के प्लस में एक्स माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम ये पीछे वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। अभी जो आपने किया है कि उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 182, तो हमारे पास फैक्टर क्या है इसे, 13 और 14। अब 13 और 14 उनका सम कितना आना चाहिए, एक्स तो पहले 14 लिखेंगे माइनस में 13 लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, डू योरसेल्फ, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखते हैं। ये कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, अगर आपको एक राइट ट्रेंगल दी गई, कौन सी ट्रेंगल दी गई है, मैं यहाँ बना लेता हूँ, आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल दी गई है। राइट एंगल ट्रेंगल मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है। ये इसका क्या है, बेस है, और ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसका कितना दिया गया है, एल्टीट्यूड इसका दिया गया है। अब स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, कोई राइट एंगल ट्रेंगल है और उसका एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, अब राइट एंगल ट्रेंगल का बेस है वो कितना मान लिया हमने, एक्स। उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड उसका हो जाएगा इसके बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। अब क्या कर देते हैं, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्केयर है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्केयर और प्लस में एल्टीट्यूड स्केयर। अब हाइपोटेनियस इसका कितना दिया गया है, इसका 13 का स्केयर, बेस हमने माना था एक्स स्केयर और एल्टीट्यूड था एक्स माइनस 7 का होल स्केयर। 13 का स्केयर हो गया 169, एक्स स्केयर इसमें आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस में 49 माइनस में 14x, और इसको उधर लेकर जाएंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्केयर और एक्स स्केयर हो गए 2x² माइनस के 14x, और प्लस में इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये 49 था प्लस का और ये इधर आता माइनस का हो जाएगा, तो 169 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास माइनस का, किसका बचेगा, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्केयर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म हमारे पास का है 7। अब हमें 7 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनका सम कितना हो, सॉरी प्रोडक्ट कितना हो, 60। 60 के फैक्टर बनाते हैं तो 60 होता है 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, और 12 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 7। तो ये बन गया देखो एक्स स्केयर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस के 12x माइनस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा x माइनस 12, और माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा x माइनस प्लस के 5, कॉमन क्या लेना है, प्लस के 5, प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 12 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 12, और एक बार एक्स प्लस 5 अगर 0 होगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस 5। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो एक्स की वैल्यू आई 12 और एक आई माइनस 5, और हमें पता है कि कोई भी ट्रेंगल है उसकी साइड कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर माइनस वाले रूट को हम छोड़ देंगे और हमारे आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो उसका बेस कितना आ गया, बेस आ गया उसका, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा, बेस हमारे पास कितना आ गया, बेस हमने माना था एक्स तो कितना आ गया 12, और उसका एल्टीट्यूड हम बात करें तो कितना आ गया, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया गया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस यानी बनाती है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे, कोई आर्टिकल बनाती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, उसने क्या किया, एक विशेष दिन यह देखा
कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन वाज 3 मोर देन, यानी कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जितने आर्टिकल बनते हैं उससे तीन ज्यादा, उसके दुगने से तीन ज्यादा है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, और उस दिन की जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी है, 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मानना है, इसमें मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितनी मान ली हमने, एक्स, देन उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है कि उसके दुगने से कितनी अधिक है, तीन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी है उसकी, 90 है, तो ये हो जाएगा एक्स, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा प्लस में 3x आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x, 90 को लेकर लेंगे माइनस के, 90 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, सी की वैल्यू माइनस 90 है, हमें पता है कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए उसका ए सी के इक्वल, ए सी कितना है, 2 मल्टीप्लाई 90 यानी कि 180, कितना आना चाहिए, 180। और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए उसका 3, अब 3 को तोड़ना है तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, कितना बनेगा, कितने से कर लेते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, 3 से कर लेते हैं कितना आएगा, 30 आएगा, फिर 3 से कर लेते हैं कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 2 से कर लेते हैं कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये बन गया हमारे पास 3 × 6 और 6 × 12 और 5 × 3 = 15, तो 12 और 15 का सम कितना आएगा, 3, तो इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर है प्लस में लिख लेते हैं माइनस के, क्या लिख लेते हैं, 12x और प्लस के लिख लेते हैं 15x और माइनस के 20 = 0, दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस 6, प्लस के 15 कॉमन है तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, अब x माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6, और एक बार 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 15/2। अब हमें पता है कि जो आर्टिकल हमने क्या माना था, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 6 आ गई और एक माइनस की, और हमें पता है कि नेगेटिव हो नहीं सकती, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि दो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एक दिन में जो इंडस्ट्रीज थी, यानी कि जो एक दिन में इंडस्ट्री थी वो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, 6, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, 6।